शिवराज मंत्रिमंडल में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। 35,50,000 किसानों के खाते में मध्य प्रदेश सरकार 1600 करोड़ रुपए डालेगी। ऐसा करके मध्य प्रदेश के जरिए देश भर के किसानों को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में फैसला हुआ कि अब 18 दिसंबर को 35,50,000 किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा, ये राशि का एक हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा भी हम किसानों के खातों में देंगे। विदिशा में 18 दिसंबर को किसानों के खाते में डाले जाएंगे रुपए। अन्य जिलों के नाम भी सभी को दे दिए जाएंगे जहां पर मंत्री उपस्थित रहेंगे। शिवराज सिंह सरकार 4 जनवरी को फिर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेगी ताकि प्रशासनिक कार्यों में और कसावट और पारदर्शिता लाई जा सके। किसान सम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में और उज्जैन में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल मैं स्वयं इंदौर में, उसके बाद जबलपुर और रीवा में अलग अलग हमारे नेतागण, शासन के द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं किसानों के हित की, उसे और जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस और विपक्षियों के द्वारा, उसको भी दूर करेंगे। आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2020 है, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में ही रहेंगे, और भोपाल में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अपने कक्ष से अटेंड करेंगे। दूसरा, 18 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के हित के लिए, आज जब कोरोना काल में आर्थिक संकट में किसान हैं, तो ये तय किया है कि इस आर्थिक संकट के समय में 18 तारीख को 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए एक साथ डाले जाएंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विदिशा में इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे वर्चुअल, एक्चुअल, और सभी मंत्रीगण जो कृषि विभाग जिले देगा उन जिलों में स्वयं उपस्थित रहकर इतने बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण वर्चुअल होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।